नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। एटीएम कार्ड बदल करके व चोरी कर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार। खबर अमेठी से है, जहां एसओजी व थाना कोतवाली अमेठी पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान में बैंकों के एटीएम कार्ड बदल कर व चोरी ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित दो अभियुक्तों को आरआरपीजी कॉलेज अमेठी के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जमा तलाशी में विभिन्न बैंकों के 6 एटीएम कार्ड, एक अदद स्वैप मशीन, 3 मोबाइल फोन व 7,320 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी अमेठी दिनेश सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर थाना कोतवाली अमेठी श्याम सुंदर व एसओजी प्रभारी विनोद यादव की संयुक्त टीम ने अपाचे मोटरसाइकिल UP72R3866 के साथ दो अभियुक्त योगेंद्र कुमार पुत्र हीरा लाल निवासी कादीपुर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ व दूसरे संदीप तिवारी पुत्र राधे कृष्ण तिवारी निवासी किठावर बाजार थाना अंतु जिला प्रतापगढ़ को आरआरपीजी कॉलेज के सामने स्थित यूको बैंक एटीएम के पास से गिरफ्तार किया है। बरामद रुपयों व कार्ड के बारे में पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग कस्बा मेठी में विभिन्न बैंकों में एटीएम बदलकर अथवा चोरी कर रुपए निकालते थे व टावर लगाने के नाम पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराते थे। बरामद रुपया उसी से संबंधित है। अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों इसी गाड़ी से आसपास के जनपदों में एटीएम के पास कम पढ़े लिखे व सीधे साधे लोगों से एटीएम बूथ में घुसकर उनके पिन कार्ड को देखकर याद कर लेते थे और कुछ एटीएम कार्ड को बदल लेते थे तथा कुछ के कार्ड चुरा लेते थे। बाद में अलग अलग स्थानों से पैसे निकाल लेते थे। इसके अलावा अलग अलग सिम कार्ड का प्रयोग कर लोगों से टावर लगाने के नाम पर व अन्य लालच देकर के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते थे। अभियुक्त संदीप तिवारी के विरुद्ध अमेठी कोतवाली में पहले से ही दो मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है। पुलिस अनावश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। आज अमेठी थाने में खुलासा किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, विगत कुछ दिनों में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई लोग एटीएम की मशीन को इस्तेमाल करने जाते थे और उनका एटीएम या तो बदल दिया जाता था या क्लोन कर लिया जाता था। इस संबंध में पुलिस ने कई अभियोग पंजीकृत कर रखे थे और आज संदीप तिवारी और योगेंद्र कुमार दो लोग की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से कई एटीएम और एक स्किमिंग डिवाइस प्राप्त हुई है। इनका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार था कि ये लोग जाते थे और जो भोले भाले लोग एटीएम स्वयं इस्तेमाल नहीं कर पाते थे या एटीएम इस्तेमाल करने में दिक्कत होती थी उनसे और वो मदद मांगते थे तो ये लोग वहाँ उपस्थित रहते थे और उनका कार्ड उस स्किमिंग डिवाइस में डालते थे जिससे उस कार्ड की सारी डिटेल स्किमिंग डिवाइस में आ जाती थी और धीरे से उसका पासवर्ड भी देख के ये लोग नोट कर लेते थे। इस प्रकार से ये लोग और उसके बाद उसका पैसा बाद में जा करके विड्रॉ हो जाता था और वो बेचारा उसको लगता था कि शायद मेरा एटीएम कहीं चला गया है जबकि एटीएम उसी के पास रहता था लेकिन डिटेल स्किमिंग डिवाइस के थ्रू उसके दूसरे लैपटॉप में सेव करके ये लोग उसका डिटेल से उसके अकाउंट से पैसा निकालते थे। इस संबंध में आज दो लोग को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी भी की जा रही है और इनके साथ और भी जो लोग इस गिरोह में शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।